स्टार्ट करते हैं। सॉरी, तो देखिए कल मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स एलिमेंट होते हैं और वो एलिमेंट आपस में केमिकली कंबाइन होते हैं, और जब एलिमेंट आपस में केमिकली कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं। तो एलिमेंट्स आपस में केमिकली कंबाउंड कंबाइन होकर के कंपाउंड बनाते हैं। अब फॉर एन एग्जाम्पल मैं वाटर की बात कर रहा हूँ कि वाटर किस तरीके से केमिकली कंबाइन होता है, आप इस चीज़ को देखिए कि वाटर कैसे केमिकली कंबाइन होता है। ओके तो वाटर कैसे केमिकली कंबाइन होता है, देखिए अपन वैसे बोलते हैं नॉर्मली हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस वाटर। तो बच्चों हाइड्रोजन फ्री स्टेट में हमारे एटमॉस्फेयर में किस फॉर्म में मिलता है, मॉलिकुलर फॉर्म में H2, और ऑक्सीजन किस फॉर्म में मिलता है, O2 फॉर्म में। बट आप ये समझेंगे कि H2 और O2 इस रेशियो में कन्वर्ट हो जाएंगे, नहीं बनेंगे, कभी नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे, इसको ऐसे समझो कि मान लो आपको अपने घर में शरबत बनाना है, शरबत, ओके। तो शरबत बनाने के लिए मैंने आपसे कहा कि बेटा एक काम करो, 5 चम्मच शक्कर ले लो और एक कटोरी में डाल दो और 2 बूंद पानी डाल दो, दे दो मेहमान को, पी लो शरबत। मेहमान कभी घर नहीं आएगा आपके, बोलेगा शरबत पीने गए थे, मिठाई खिला दी, क्योंकि 5 स्पून आपने शुगर्स ले लिए, शक्कर ले लिए और 2 बूंद पानी की, क्या ले लिए, पानी की 2 बूंदें ले ली, क्या शरबत बनेगा बताओ, नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, बिकॉज रेशियो गड़बड़ है यहाँ पे, जो रिक्वायरमेंट है आपकी वो सही नहीं है। दूसरा एग्जांपल, आपको चाउमीन बनाना है तो आप 1 बोरा चाउमीन ले आओ, 1 बोरा, बड़ा सा बोरा भर के उसको बड़ी सी कढ़ाई में डालो, ओके, और उसमें 1 गिलास पानी डाल दो, मैगी बनाने वाला, क्या 1 बोरा चाउमीन मैगी एक इसमें बनेगा, नहीं बनेगा। मतलब हर एक चीज़ को बनने के लिए एक डेफिनेट अमाउंट की ज़रूरत होती है, एक प्रॉपर रेशियो चलता है, तब वो चीज़ें कंबाइन करती हैं, अदरवाइज़ कंबाइन नहीं करती हैं। क्योंकि अगर उनकी ज़रूरत की मुताबिक उन्हें जरूरत चीज़ें नहीं मिलेंगी तो वो कंबाइन नहीं करेगा। तो इसी तरीके से जब आपको पानी को बनाना होता है बेटा, तो आपको यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स लगते हैं, 2 मॉलिक्यूल। अगर H2 कहोगे बेटा तो ये अकेला सिंगल मॉलिक्यूल है, बट अगर आप 2H2 कहोगे मतलब ये डबल मॉलिक्यूल है, तो आपको 2 मॉलिक्यूल लगेंगे। तो 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के मिल करके क्या बनाते हैं, H2O। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा लफड़ा है, ये जो रिएक्शन है ये कौन सी रिएक्शन है, ये केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है, और ये मैंने इक्वेशन लिख रखा है। बट आप देखिए लेफ्ट में हाइड्रोजन के 4 एटम, कितने एटम है लेफ्ट में हाइड्रोजन के, 4 एटम। अब आप कहोगे सर 4 कैसे, क्योंकि एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में 2 एटम है और 2 मॉलिक्यूल ले रखे हैं आपने, समझ गए ना। जैसे ऐसा समझो कि एक आप पैकेट लेके आते हो लड्डू का, उसके अंदर 2 लड्डू हैं, और ऐसे आपने 2 पैकेट ले रखे हैं तो टोटल कितने लड्डू हो गए, 4। तो ऐसे ही यहाँ पे एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में 2 एटम होते हैं और 2 एटम के 2 पैकेट आपने ले रखे हैं, तो 2 2 ज़ा 4, मतलब ये जो बाहर वाला 2 है इसको अंदर वाले से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे 4 एटम है। और यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, 2 एटम हैं, क्यों, O2 नहीं लगा है, मॉलिक्यूल एक है, क्योंकि O2 मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाया जाता है, मॉलिक्यूल एक है बट एटम 2 हैं ऑक्सीजन के। अब राइट साइड में देखो, हाइड्रोजन के कितने एटम, 2, ऑक्सीजन के पीछे कुछ नहीं लगा, मतलब कितने, 1, जिसके पीछे कुछ नहीं लगा होता वो क्या होता है, 1। तो हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम, 1 एटम, तो टोटल यहाँ पे हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन के 1, बट यहाँ पे क्या होते हैं, 4 हाइड्रोजन के और 2 ऑक्सीजन के। अगर मैं यहाँ पर 2 लगा दूंगा तो देखो सब कुछ ठीक हो गया। अब हाइड्रोजन के कितने हो गए, 2 2 ज़ा 4, और ऑक्सीजन के कितने हो गए, 2, क्योंकि 2 ऑक्सीजन के लिए भी है, तो अब ये हो गया बराबर हो गए। तो इसको बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं हम लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। अब आपका सवाल ये है कि सर देखिए हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था, फिर H2O क्यों बना, H2O इसलिए बना क्योंकि हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन में हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ था और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ था, बट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अलग अलग जो अट्रैक्शन था वो ज़्यादा रहा होगा, ये ज़्यादा स्टेबल रहा होगा, मतलब कंपैरिजन टू हाइड्रोजन और कंपैरिजन टू ऑक्सीजन H2O ज़्यादा स्टेबल रहा होगा, इसीलिए तो ये चीज़ बनी है,
अगर वो स्टेबल नहीं होती, ज़्यादा ज़्यादा स्टेबल नहीं होती, ये चीज़ नहीं बनती। इसका मतलब ये चीज़ ज़्यादा स्टेबल रही होगी तभी तो बनी होगी ना, तो H2O बनना इसलिए क्योंकि ये चीज़ ज़्यादा स्टेबल रही होगी। तो बच्चों इस चीज़ को समझो कि दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कंबाइन होकर के क्या बना रहा है, 2H2O, मतलब वाटर के दो मॉलिक्यूल। ओके, अब हम कल वैलेंसी की बात कर रहे थे। अब आप लोग के जीवन में सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है वैलेंसी, क्योंकि अगर आपको वैलेंसी आती है ना तो आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा H2 क्यों बन रहा है। अभी आप सोचते होगे सर H2 ही क्यों होता है, H3 क्यों नहीं एग्जिस्ट करता, सर H4 क्यों नहीं करता है, सर हमने तो सुना बचपन से H2, चलो मान गए, बट बताओ तो सर O2 ही क्यों करता है, सर O4 क्यों नहीं करता, O5 क्यों नहीं करता, है ना सर, O अकेला क्यों नहीं करता, है ना, अकेला कौन कौन करता है, केवल मैंने कुछ बताए थे, हीलियम अकेला करता है, है ना, आर्गन अकेला करता है, ज़ेनन अकेला करता है, है ना, गोल्ड भी करता अकेला, तो ये जो होते हैं गोल्ड प्योर है एक्चुअली गोल्ड, है ना, तो इसलिए ये अकेले क्यों नहीं करते। और सर H2O ही क्यों बना, सर H3O क्यों नहीं बना, सर H4O क्यों नहीं बना पानी, यही क्यों बनी, ये आप सोचते होंगे, तो इसका सबका एक रीज़न है। तो अब अगर आपके पास जो है आपके आपके बुक में पीरियोडिक टेबल है, आई थिंक पेज नंबर 87 है आपके NCERT में, तो अपनी बुक का पेज नंबर 87 पीरियोडिक टेबल खोल लें, वही केमिस्ट्री की पूरी जान है पीरियोडिक टेबल, उसी से सब कुछ जो है क्लियर होता है पीरियोडिक टेबल से। ओके, सबके पास बुक है, बोलो सर। हाँ तो अपनी बुक में आई थिंक पेज नंबर 87 है, देखो जरा पेज नंबर 86 हाँ 86 ओपन कर लो, पेज नंबर 86 पे ओपन कर लो, और उसमें आपके सामने पीरियोडिक टेबल सामने रखी हुई है, ये केमिस्ट्री की पीरियोडिक टेबल है, दिस इज़ कॉल्ड गाइस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। वैसे तो इसके बारे में एक बड़ा सा खूबसूरत सा और बड़ा अच्छा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, बहुत बढ़िया। अब मैं इसको आपको बताता हूँ इसके बारे में पूरी मीनिंग क्या है। बच्चों ये देखिए, किसी भी एटम में, कोई भी एटम, ये पीरियोडिक टेबल में जो आपके सामने वो सबके सब एलिमेंट हैं, सबके सब एलिमेंट हैं। अब एलिमेंट होने का मतलब ये नहीं कि सर ये तो आपने तो कहते हैं कि ज़मीन के अंदर से या हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ एलिमेंट होते ही नहीं है, जैसे हाइड्रोजन H की फॉर्म में मिलता ही नहीं है, हाइड्रोजन को H2 की फॉर्म मिलता है। तो मैं यहाँ पे ये नहीं बता रहा हूँ कि कौन किस फॉर्म में मिलता है, मैं ये बताने वाला हूँ कि एलिमेंट कौन कौन से होते हैं और उनकी वैलेंसी क्या है, क्योंकि एलिमेंट एटम आपस में जुड़ करके ही मॉलिक्यूल बनाएंगे। अभी शुरू ही नहीं करी वैलेंसी मैंने, अभी वैलेंसी शुरू तो करने दो। तो यहाँ पे मैं आपको एक तरफ से बता रहा हूँ, तो देखिए एलिमेंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। कोई भी एलिमेंट है उसमें एक न्यूक्लियस होता है सबसे सेंटर पे। अब आप बोलोगे न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे एलिमेंट के सबसे भारी भरकम लोग रहा करते हैं, जहाँ पे उसके सबसे ज़्यादा ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं, उन ग्रैंड पेरेंट्स को बोलते हैं, उस जगह को बोलते हैं अपन न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में दो टाइप के पार्टिकल होते हैं बच्चों, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। और प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, जीरो चार्ज होता है। और बाहर प्रोटॉन के प्लस को वैलेंस करने के लिए, ये समझ लो प्रोटॉन फॉर पापा, और जितने पापा होते हैं उनको वैलेंस करने के लिए बाहर उतनी इलेक्ट्रॉन्स हुआ करती हैं, यानी मम्मी, ये समझ लो इलेक्ट्रॉन, समझ गए। तो ये बीच में है प्रोटॉन और बाहर चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पॉजिटिव है, प्रोटॉन फंडामेंटल पार्टिकल है और वो पॉजिटिव ही है, प्रोटॉन पॉजिटिव ही है। दो पार्टिकल नेचर में पाए गए हैं, एक पार्टिकल है और प्लस और एक है माइनस, समझ गए ना। तो प्रोटॉन को प्लस ले लिया गया, इलेक्ट्रॉन को माइनस ले लिया गया, क्योंकि दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे थे, अट्रैक्ट कर रहे थे, मतलब एक प्लस रहा होगा और एक माइनस रहा होगा। तो कन्वेंशन यही डेवलप कर लिया गया कि सेंटर वाले को हम लोग प्लस मान लेते हैं और बाहर वालों को क्या मान लेते हैं, माइनस मान लेते हैं, समझ गए ना। ये मान लिया गया शुरू से और ये आज भी माना जा रहा है बच्चों। तो मैं कह रहा था सेंटर पे प्रोटॉन होते हैं, बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं और यहाँ पे न्यूट्रॉन भी होते हैं कुछ कुछ, ठीक है ना। अब आइए हम बताते हैं आपको, देखिए कोई भी एलिमेंट आपके पास केमिस्ट्री में लिखा है, जैसे मान लो हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो देखिए हाइड्रोजन में तीन चीज़ें दी गई हैं आपको, एक तो उसका सिंबल दिया गया है पहले नंबर पे, देन उसके बाद इसका एटॉमिक नंबर ये जो दिया गया है 1,
ये सबसे नीचे जो लिखा होता है बच्चों, इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर का मतलब समझो, एटॉमिक नंबर का मतलब होता है बच्चों नंबर ऑफ प्रोटॉन। और किस्मत की बात नहीं, अच्छी बात है कि प्रोटॉन के नंबर इलेक्ट्रॉन के नंबर के क्या होते हैं, इक्वल, क्योंकि जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जितने प्रोटॉन होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ऊपर है वन, ये वन क्या है बच्चों, ये है मास नंबर। जी हाँ, ये है मास नंबर, ये है मास नंबर। तो एक होता है इलेक्ट्रॉनिक नंबर जिसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं, और दूसरा होता है मास नंबर। अब आप कहेंगे सर मास नंबर कैसे आता है, तो बच्चों देख लो मास नंबर कैसे बनता है। तो मास नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नोट कर लो, नाइन्थ क्लास का फॉर्मूला है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला करके, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला करके जो बनता है वो है आपका मास नंबर। ये प्रोटॉन है और ये न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन को मिला करके बनता है मास नंबर। तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन की मैं बात करूँ, हाइड्रोजन का मास नंबर कितना है, वन। हाइड्रोजन का मास नंबर कितना है, वन। और हाइड्रोजन के पास प्रोटॉन भी कितने हैं, वन। मतलब हाइड्रोजन के पास प्रोटॉन वन है और मास नंबर वन है और प्रोटॉन वन है, तो न्यूट्रॉन कितने होंगे, जीरो। क्यों होंगे, तो वन प्लस, तो वन प्लस वन टू नहीं हो जाता, तो वन को वन के इक्वल करने के लिए यहाँ क्या होना पड़ेगा, जीरो, तभी तो वन इक्वल्स टू वन आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो हाइड्रोजन में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो एक काम करो, ऐसे लिख लो, क्या लिखा है मैंने, मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। हाइड्रोजन का मास नंबर कितना है, वन, न्यूट्रॉन पता नहीं है एन मान लो, और प्रोटॉन भी कितने हैं, वन, तो न्यूट्रॉन इक्वल्स टू वन माइनस वन, सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल्स टू कितने आ गए, जीरो। बोलो बच्चों समझ में आया कि नहीं आया, ओके। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, देखिए हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 1H1, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 1 और मास नंबर कितना है 1। अभी मैंने जो आपको रिलेशन पढ़ाया वो क्या पढ़ाया, कि जो मास नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से मिलके बनता है, नहीं न्यूट्रॉन से। तो हाइड्रोजन का मास नंबर कितना है, 1 है, प्रोटॉन भी कितने हैं, 1 है। ये देखो नीचे जो होता है प्रोटॉन होता है, अब 1 इक्वल्स टू 1 हो गया तो आगे कितना होना पड़ेगा, जीरो। तो न्यूट्रॉन अपन मन से नहीं डालते, चलो मन से मत डालो, मान लो न्यूट्रॉन x है, अगर न्यूट्रॉन आप x ले लो तो x इक्वल्स टू कितना होगा, 1 माइनस 1, सो आंसर x इक्वल टू कितना हो गया, जीरो। समझ में आया बच्चों, सर वॉइस इज लैगिंग, नॉट अंडरस्टैंड। अच्छा मेरी वॉइस लैग हो रही है, एक सेकंड रुक जाओ। अब तो लैग नहीं होनी चाहिए, अब ठीक आ रही है, हेलो। yes, हाँ अभी ठीक हो गई, ओके। सो मैंने ये कहा कि बेटा मास नंबर भी वन है और ये भी वन है, तो वन में से वन माइनस कर दोगे तो कितने आ गए, जीरो। क्लियर हुआ, यस सर, यस सर। अच्छा दूसरा तरीका क्या है, आपको न्यूट्रॉन अगर देखना हो तो मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस कर दो, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएगा। मास नंबर कितना है, वन, एटॉमिक नंबर कितना है, वन, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो गए दोस्तों, जीरो। ओके सो देर आर हाउ मेनी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जीरो, देर आर जीरो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यस बेटा, आपकी आवाज लैग हो रही है, एक मिनट, मेरी आवाज लैग हो जाती है। अच्छा जाओ, एक मिनट माइक चेंज करता हूँ। जी हाँ, याद करने पड़ेंगे। हमने आपसे क्या बोला न्यूट्रॉन के बारे में, हमने आपसे बोला न्यूट्रॉन के बारे में कि न्यूट्रॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस नंबर ऑफ, सॉरी नंबर ऑफ मास नंबर माइनस प्रोटॉनिक नंबर। फिर से देख लो बच्चों, आपके पास होता है मास नंबर, ऊपर होता है मास नंबर, नीचे होता है एलिमेंट,
और सबसे नीचे होता है एटॉमिक नंबर। अच्छे से समझो, एलिमेंट है, ऊपर है मास नंबर सबसे ऊपर और नीचे है एटॉमिक नंबर। ओके, जैसे एग्जांपल के लिए ले लो हीलियम, हीलियम सेकंड नंबर पे, तो हीलियम सेकंड नंबर पे है। यहाँ पे एटॉमिक नंबर हीलियम का होता है 2 और मास नंबर कितना होता है 4। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर होता है 4। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब हुआ, मैं बोलूँगा बताइए, सब लोग बताओ कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है इसके अंदर। बताओ बच्चों नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 2। नंबर ऑफ प्रोटॉन 2 है और जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। मैं आपसे बोलूंगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, क्योंकि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं? क्यों 0? 4 में से 2 माइनस कर दो, मास नंबर में से 2 क्या कर दो, माइनस कर दो, 4 माइनस 2, आंसर कितना हो जाएगा? 2। बोलो बच्चों ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। ओके, तो ये अब देखिए, अब हम वैलेंसी की तरफ पढ़ते हैं, अब हम वैलेंसी की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं कि कोई किसी के साथ क्यों कंबाइन करता है, कैसे कंबाइन करता है, इन सारी बातों को हम विद द हेल्प ऑफ वैलेंसी जान पाएंगे कि वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी, तो बच्चों वैलेंसी की डेफिनेशन लो। हाँ बोलो बेटा। सर न्यूट्रॉन का फॉर्मूला क्या था? न्यूट्रॉन का फॉर्मूला लिखो, न्यूट्रॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल्स टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। अगर आप मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दोगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे। एग्जांपल के लिए 6C12। एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा बोलिए। आई हैव टू लीव बिकॉज़ ऑफ सम अर्जेंट वर्क। व्हाट बेटा, क्या बोलो, फिर से बोलो। ठीक है, चलिए जाइए, आप इसको वीडियो को देख लेना बाद में। ओके ओके सर। ओके, हाँ तो मैं कह रहा था आपसे नीतीश की 6C12 में मास नंबर कितना है 12 है और एटॉमिक नंबर कितना है 6, तो 12 माइनस 6 इक्वल टू 6। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। आ गया। कार्बन है ना, 6 नंबर पे कार्बन होता है। 6 नंबर किसका होता है? कार्बन का होता है। हाँ ये मास नंबर है और ये सिंबल है। बोलो नीतीश समझ में आया कि नहीं आया? यस सर आ गया। नितेश क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। सर मास नंबर सर पता कैसे चलता सर? नितेश अनूप कुछ बोल रहे हो? यस सर। यस सर। एक मिनट यार, साउंड क्यों नहीं आ रहा इनका? कोई बच्चा रिप्लाई करो। हेलो। यस सर। हाँ इसने यहाँ तो रिप्लाई किया है बट मेरे को साउंड नहीं मिल रहा है। एक सेकेंड रुके बच्चे लोग, आप लोग। ओके, तो मैं ये कह रहा था कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का तरीका होता है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो नितेश आपको क्लियर हो गया बेटा कैसे निकालते हैं ये? यस सर। ओके, तो मास नंबर में से एटॉमिक नंबर अगर आप माइनस कर दोगे तो आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। ओके, अब देखिए, अब हम वैलेंसी पर सीधे सीधे आते हैं, टाइम नहीं खराब करेंगे। हम वैलेंसी की बात करते हैं कि वैलेंसी क्या होती है। तो लिखिए वैलेंसी, लिखो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू बी एक्सेप्टेड और टू बी डोनेटेड। लिख लीजिए बच्चों, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू बी एक्सेप्टेड और डोनेटेड, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू बी एक्सेप्टेड और डोनेटेड to be donated to get a stable stable the number of electrons to be accepted to be donated, मतलब जो इलेक्ट्रॉन आप एक्सेप्ट करते हैं या डोनेट करते हैं to get a stable configuration। मतलब
कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन करने के लिए, टू गेट अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड, इज कॉल्ड वैलेंसी, वैलेंसी मतलब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन करने के लिए आपको जो इलेक्ट्रॉन लेने पड़ते हैं या देने पड़ते हैं उसको हम बोलते हैं वैलेंसी। ओके, आया समझ में? अब स्टेबल मतलब स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, ओके, जो आपको देना पड़ता है इलेक्ट्रॉन्स या लेने पड़ते हैं उसको हम बोलते हैं वैलेंसी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू बी एक्सेप्टेड और डोनेटेड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो लेने पड़े या देने पड़े उन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं? वैलेंसी। बोलो, क्लियर हुआ सबको? यस बोलो। यस, तो उनको हम वैलेंसी बोलते हैं। अब आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे लेफ्ट से। आपकी पीरियोडिक टेबल जो है, पीरियोडिक टेबल में देखिए, सबसे लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं। सबसे लेफ्ट में, लेफ्ट में कौन कौन बैठे हुए हैं? लेफ्ट में टॉप मोस्ट पे हीलियम है, देन लिथियम है, देन सोडियम है, देन पोटेशियम है, देन रूबिडियम है, देन सीजियम है एंड देन फ्रांसियम है। ये आपके पास बैठे हुए हैं लेफ्ट में। अब देखिए क्या है, सबसे पहले बात हो जाए कि सर हम इनके एटॉमिक नंबर कैसे याद करें। तो इनके एटॉमिक नंबर याद करने का तरीका क्या है बच्चों? देखिए, इसका तो सब लोग को पता होगा, वन होगा। ओके, वन। अब इसके बाद मैं आपको एक नंबर बता रहा हूँ, दो, आठ, आठ, दो, आठ, आठ, अठारह, अठारह, थर्टी टू, ये नंबर आप याद कीजिए, ठीक है ना? दो, आठ, आठ, अठारह, अठारह, थर्टी टू। अब अपने अपने पास आपकी पीरियोडिक टेबल तो है, अब आप मैच करते जाइएगा। आप सबसे ऊपर कहाँ पे? हाइड्रोजन पे बैठे हुए हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? वन है। वन में बच्चों टू जोड़ दो, वन में टू जोड़ोगे कहाँ पहुँचोगे? थ्री पे। तो जो अगला आइटम आएगा लिथियम, उसका एटॉमिक नंबर है थ्री, देख लो, लिथियम का थ्री है। उसके बाद फिर क्या जोड़ दो? आठ जोड़ दो, क्योंकि दो कट गया, अब आठ जोड़ दो, प्लस आठ, तो तीन में आठ जोड़ो कितना आएगा? एलेवन आएगा। तो देखो सोडियम एलेवन पे बैठा हुआ है अगला। जी हाँ, एटॉमिक नंबर याद करने की ट्रिक। अब मास नंबर छोड़ो, उसका कोई काम नहीं है। और अब इसके बाद 11 के बाद फिर से आप 8 जोड़ दो, क्योंकि ये 8 तो कट गया, ये 8 जोड़ दो। 11 में 8 जोड़ा कितना आया बच्चों? 19। पोटेशियम होता 19 का, और जस्ट उसके नीचे देखो पोटेशियम 19, ये हो गया 19, 28। अब इसके बाद 18 जोड़ो, तो 19, 10, 29 और 8, 20, 37 पे देखिए रूबिडियम बैठा होगा। बैठा है? बैठा है, नहीं बैठा, बोलो। Yes, sir. और फिर उसमें 18 जोड़ दो बच्चों, तो आपके पास आ जाएगा सीजियम, 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 8, 7, 15 मतलब 55, चेक करिए 55 पे, 37, 55, एंड देन उसके बाद लास्ट में फ्रांसियम बैठा हुआ है, इसमें 32 जोड़ दो, तो 5 और 3, 8 और 5 और 2, 7 87, देखो यस और नो, 87 पे। बोलो समझ में आ गया कि नहीं आया? तो इस तरीके से आप जो है ये टेबल याद कर सकते हैं। क्या चलता है रेम, इसमें क्या ट्रेंड चलता है? ये ट्रेंड चलता है 2, 8, 8, 18, 18, 32 का ट्रेंड चलता है। इस ट्रेंड को आप समझ के आप बाकी के एलिमेंट्स लिख सकते हैं। अब आप बोलोगे सर एलिमेंट के नंबर तो हमने पता कर लिए सर, कि पहला हाइड्रोजन था, वन में टू ऐड किया थ्री आ गया, थ्री में एट ऐड किया तो 11 आ गया, 11 में एट ऐड किया तो 19 आ गया, 19 में 18 ऐड किया तो 37 आ गया, 13 में 18 ऐड किया सर तो 55 आ गया, और 55 में ऐड किया तो 87 आ गया। बट सर इसके एलिमेंट कैसे हम जानेंगे कि कौन है? हाइड्रोजन में तो चलो सर याद है हमको, सर हम तीन में कैसे जानेंगे? तो मैं उसके लिए आपको ट्रिक याद कराऊंगा ना, चिंता की बात नहीं है, समझ गया ना? तो इसकी ट्रिक है, देखिए एक लड़की है जिसका नाम है हेलीना। क्या नाम है? हेलीना। तो हेलीना, तो हेलीना क्या करती है? भगवान से दुआ मांगती है। तो हम लोग इसको याद करते हैं, हेलीना की रब से फरियाद। ओके, तो पहली ट्रिक क्या है? पहली ट्रिक है हेलीना की
रब से फरियाद। तो आप लोग लिख लें जी कॉपी में अपने अपने, हेलिना की रब से फरियाद। ओके, तो हेलिना मतलब हाइड्रोजन, ली मतलब लिथियम, ना मतलब ना सोडियम, की मतलब के पोटेशियम, रब मतलब रूबीडियम, और से मतलब सीजियम, और फरियाद मतलब फ्रांसियम। चलो नोट कर लो, हेलिना की रब से फरियाद, समझ गए ना। अब इसके एटॉमिक नंबर दो, दो में दो ऐड, दो में सॉरी एक, एक में दो ऐड किया तीन, तीन में आठ ऐड किया ग्यारह, ग्यारह में आठ ऐड किया उन्नीस, उन्नीस में क्या ऐड किया था अठारह, थर्टी सेवन, थर्टी सेवन में एटीन ऐड किया था फिफ्टी फाइव, और एट्टी सेवन। बस देखो अब से एलिमेंट भी बन गया, उनके एटॉमिक नंबर भी बन गए। अब रही बात इनके मास नंबर की, तो भैया उसकी कोई ट्रिक नहीं है, उसको आपको डायरेक्टली याद करना पड़ेगा। ऑलमोस्ट डबल होते हैं, जैसे हाइड्रोजन का तो 1H1 ही चलता है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 6 है, इसका डबल कर दो 3 2 6, चेक कर लो भाई मास नंबर ऑलमोस्ट डबल है शुरुआत में, तो 3 का 6 दिया होगा मास नंबर नीचे। ओके, सोडियम 11 का डबल 22 होता बट 23 होता है दिया हुआ, अच्छे से देखो ठीक ना, नीचे दिखा होगा मास नंबर। चलिए देखिए 19 का डबल कितना होता है 38, तो बट यहाँ पे 39 चलता है, तो ऐसे आप जो है याद कर सकते हैं। चलिए आ गया समझ में बच्चों, बोलो क्लियर हो गया, बोलो क्लियर हो गया। यस सर। देखिए मास नंबर की अपन को कोई जरूरत नहीं, अपन को केवल एटॉमिक नंबर की जरूरत है, तो मास नंबर को लेकर उतना परेशान मत होइए, हमको केवल एटॉमिक नंबर की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपसे एटॉमिक नंबर आपको याद है तो अब आपको वैलेंसी पता चल जाएगी। अब आइए वैलेंसी की बात करते हैं। वैलेंसी जानने के लिए आपको सबसे पहले जानना जरूरी है स्टेबिलिटी क्राइटेरिया, स्टेबिलिटी क्राइटेरिया का बेस्ट तरीका है, आप अपने जो टेबल के एक्सट्रीम राइट में जो नंबर भरे हुए हैं, जो सबसे बैठे हुए हैं, उनको देख लो आप लोग स्टेबिलिटी क्राइटेरिया को। देखो सबसे पहले क्या है, ऊपर है हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है दो, हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है दो, दो में आठ जोड़ दो, वही रूल लगाओ, दो में आठ जोड़ा टेन, टेन पे क्या आएगा नियॉन, टेन पे आएगा नियॉन, टेन में फिर से आठ जोड़ दो कितना हो गया अठारह, अठारह पे आर्गन आ गया, अठारह पे फिर अठारह जोड़ दो कितना आ गया छत्तीस, थर्टी सिक्स, बोलो है कि नहीं है, है ना, कौन आएगा जिनान, ठीक है ना, क्रिप्टान, क्रिप्टान सॉरी बच्चों क्रियार, क्रिप्टान, क्रिप्टान, फिर 36 में फिर से 18 जोड़ दो कितना आएगा 54, जिनान आया एक्स ही, ओके, फिर आएगा लास्ट में रडान 32 जोड़ दो, तो 4 और 2 6 और 5 3 8 86 पे रडान आ रहा है, देख रहे हो मिल गया, मिल गया बच्चों, ये सारी गैसेस हैं। बोलो समझ में आया बच्चों? यस सर। हाँ मैं इनको क्यों बता रहा हूँ बच्चों आपको, मैं इनको ये बता रहा हूँ क्योंकि ये जो हैं ये एकदम स्टेबल हैं, स्टेबल गैसेस हैं, इनको नोबल गैस बोलते हैं बच्चों, नोबल गैसेस, सो वी आर कॉल्ड देम नोबल गैसेस। क्यों नोबल, नोबल का मतलब क्या होता है, नोबल प्राइज़ आपने सुना होगा ना, नोबल प्राइज़ कैसे लोगों को दिया जाता है, जो बहुत अच्छे लोग होते हैं, जिनको समाज से कुछ मतलब लेते नहीं है, वो लोग बहुत अच्छे होते हैं, मतलब किसी से लूटपाट नहीं करते, समझ गए ना, वो नोबल होते हैं, तो ये लोग नोबल हैं, इनको ना किसी से कुछ लेना ना किसी को कुछ देना, तो दुनिया के जितने एलिमेंट हैं ना वो सब ये बनना चाहते हैं, ये हमारे आइडियल हैं, ये इन सब एलिमेंट के आइडियल हैं कि मैं, जैसे हम लोग कहते हैं ना हम डॉक्टर बनेंगे, हम इंजीनियर बनेंगे, हम आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, हाइड्रोजन से पूछो तुम क्या बनोगे, वो कहेगा मैं हीलियम बनूंगा बड़े होके, आप बोलो लिथियम से क्या बनोगे, बोलेगा मैं हीलियम बनूंगा, आप बोलोगे सोडियम से क्या बनोगे, बोलेगा मैं नियॉन बनूंगा, ऐसा कुछ करना चाहते हैं ये लोग, तो ये आइडियल बनना चाहते हैं। अब ये आइडियल क्यों हैं ये देख लो, आइडियल गैसेस, इनको बोलते हैं हम लोग नोबल गैसेस, ये आइडियल गैसेस, नोबल गैस, नोबल जान लो, नोबल गैस। और इस ये जो ग्रुप है आप देखिए अपनी पीरियड टेबल में, ये 18वां ग्रुप है, पहले नंबर के ग्रुप में हाइड्रोजन बैठा हुआ है, दूसरे नंबर में आपका बैठा हुआ है दूसरा ग्रुप है, तीसरा है, ऐसे चलते 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 बेटा ये लास्ट में है, नंबर दिया है आपकी पीरियड टेबल में, देख लीजिए जिनके सामने खुली है पीरियड टेबल में, 18वां ग्रुप है, 18th ग्रुप है, काउंट कर लो चाहो तो, काउंट करना है तो
वन टू से लेकर के 18, जी हाँ, ग्रुप नंबर वन, ग्रुप नंबर टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, लास्ट में 18 आएगा, काउंट कर लो बच्चों, 18th ग्रुप है। तो ये सब के सब किस ग्रुप में बैठे हैं? 18th ग्रुप में बैठे हैं। 18th ग्रुप का दूसरा नाम क्या है बेटा? जीरो ग्रुप। क्या नाम है बच्चों इसका? जीरो ग्रुप। मेरी सारी बातें ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत सारी बातें केमिस्ट्री में होती हैं, इसीलिए केमिस्ट्री आप लोग को डिफ़िकल्ट लगता है और है भी डिफ़िकल्ट थोड़ी सी, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ आ जाती हैं इसमें बच्चों। तो ये ज़ीरो ग्रुप है दोस्तों। इस ज़ीरो ग्रुप की विशेषता ये है कि इसके अंदर जो लोग भी बैठे हैं वो सबके सब ज़ीरो वैलेंसी वाले हैं, ना उनको किसी को कुछ लेना है, ना उनको किसी को कुछ देना है। कौन कौन बैठा है इसके अंदर? नंबर में हीलियम बन रहा बैठा है, फिर कौन बैठा है? नियॉन। फिर कौन बैठा है? ऑर्गन, है ना। फिर कौन बैठा है? फिर इसके अंदर बैठा है क्रिप्टॉन, फिर इसके अंदर क्रिप्टॉन के बाद ज़ीनॉन और फिर रेडॉन, ठीक ना। मुझे कैसे याद होती है ये ट्रिक? मुझे ये ट्रिक याद है एक खिलाड़ी के नाम से, ही, एच ई मतलब ही, नी, ही नी, ए जी आगरकर, एक बॉलर था इंडिया का अजीत आगरकर, उसके नाम पे नाम है हीनी आगरकर। क्रिप्टॉन मतलब के, ज़ीनॉन मतलब 11 रन, हीनी आगरकर के 11 रन। देखो अब ही मतलब ही, नी मतलब नियॉन, आगरकर मतलब आग, एजी, के मतलब क्रिप्टॉन, और जी 11 मतलब ज़ीनॉन और रेडॉन आरएन, हीनी आगरकर के 11 रन। ऐसे आप याद कर सकते हो इसको, अगर कर के 11 जी, इसे शुरू होता ना 11 से, 11 रन। अगर कर का क्या करेंगे फिर? पूरा नाम है, समझ गए ना। और बना सकते हो आप अपने, है ना, कुछ भी बना सकते हो। तो ऐसे कुछ याद कर लो, ही नहीं अगर करके 11 रन। तो खैर छोड़ो इस बात को, अब समझो बच्चों आप इस पे पहुंचो, हीलियम पे पहुंचो। हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा? 2। देख लो अपने अपनी बुक में, हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, 2He। अब मैं इसको स्टेबल क्यों बोलता हूँ, देखिए जरा स्टेबल क्यों है। इसका आप कॉन्फ़िगरेशन देखो, सेंटर पे 2 प्रोटॉन यानी 2 पॉजिटिव और बाहर 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ये है और एक इलेक्ट्रॉन ये है। सो ये हो गए बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। सो दिस इज नंबर 1, पॉइंट नंबर 1। बोलो क्लियर हुआ? यस सर। अब ये पहली शेल है बच्चों, पहली शेल की जो मैक्सिमम ऑक्यूपाइसिटी होती है वो 2 होती है। जो फर्स्ट शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। अब इसके पास एक ही शेल है और 2 पूरे के पूरे भर गए। अब बताओ ये क्या किसी को कुछ देना पसंद करेगा? क्या किसी से कुछ लेना पसंद करेगा? नो। तो ना तो लेगा ना तो देगा, तो इसलिए हीलियम की वैलेंसी क्या हो गई? 0। जीरो। हाँ, तो हीलियम की वैलेंसी हो गई 0, इसलिए हीलियम अकेले घूमता है एटमॉस्फेयर में बिना किसी के साथ कंबाइन हुए। समझ में आया? हीलियम की वैलेंसी कितनी है? 0, इसलिए ये बिना किसी से कंबाइन हुए अकेला घूमता है। अब चलो ये हीलियम हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गए। अब हीलियम के बाद अगले नंबर पे आ जाओ, बताओ हीलियम के नीचे कौन बैठा है? नियॉन। वेरी गुड बेटा, नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा? 10 है। बोलो यस और नो? यस सर। 10। अब आप सब लोग जानते हो कि न्यूक्लियस के बाजू में जो पहली शेल होती है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन परमिसिबल होते हैं बच्चों? 2। और उसके बाहर वाली में कितने परमिसिबल होते हैं? 8। 8 परमिसिबल होते हैं। तो 2 हो गए, 8 परमिसिबल होते हैं। अब आओ इलेक्ट्रॉन भरते हैं, टोटल कितने हैं इसके पास प्रोटॉन बेटा? 10। तो सेंटर पे 10 प्रोटॉन भर दो, 1, 2, 3 ऐसे करके 10 प्रोटॉन अपने भर दिए, 10 प्रोटॉन हो गए। अब 10 प्रोटॉन के लिए 10 पापा के लिए 10 मम्मी, ये देखो नंबर 1 पे इलेक्ट्रॉन, नंबर 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें नहीं भर सकता है, ये फुल हो गया पहली शेल का कारोबार। अब सेकेंड शेल में आ जाओ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। तो 2 अंदर भरे गए, 8 बाहर भरे गए, टोटल कितने भर गए? 10। बोलो यस और नो? 10। 10 भर गए। अब ये तो स्टेबल हो गया कि नहीं हो गया बताइए? सर हो गया। हो गया। क्या ये किसी से कुछ लेगा?
नो सर। क्या ये किसी को कुछ देगा? नो सर। नो। तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई? जीरो। जीरो। तो बताइए ये कैसा पाया जाएगा एटमॉस्फेयर में, एनी वन के फॉर्म में कि एनी टू के फॉर्म में कि एनी थ्री के फॉर्म में? एनी नो, के एनी के फॉर्म में। किसी से इसको कोई एनी रिएक्ट नहीं करना, समझ गए ना? एनी के फॉर्म में। आ गया समझ में? तो सिमिलरली बच्चों मतलब ऐसा ही है कि सब लोग जितने लोग बैठे हुए हैं ये लोग सब लोग ही नहीं अगर करके 11 रन, ही नहीं अगर कर के 11 रन, ठीक ना? जिनॉन, रेडॉन, ये सबकी वैलेंसी जीरो है, सबकी वैलेंसी जीरो है, ठीक है? अब आइए, अब मैं आपको वैलेंसी चार्ट बता देता हूँ। अब वैलेंसी में बाकी की भी पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है ना? बट पढ़ाऊंगा, बट अभी मैं आपको वैलेंसी बता देता हूँ थोड़ी सी। अपनी केमिस्ट्री की पीरियोडिक टेबल पे आइए, सबसे लेफ्ट में देखिए फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट से लेफ्ट में फर्स्ट ग्रुप है। जी हाँ, दिख गया? फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन बैठी हुई है? हेलिना बैठी हुई है, हाइड्रोजन। हेलिना की रब से फरियाद। बच्चों ये फर्स्ट ग्रुप में है, इन सब की वैलेंसी लिख लो बेटा 1, और ये सब देते हैं इसलिए इनकी वैलेंसी लिख लो +1, क्योंकि ये डोनेट हैं, दाता हैं, देने वाले हैं, तो इनकी सबकी वैलेंसी है 1 यानी +1। ये देंगे सब, ये सब अभी सबको बताऊंगा क्यों देंगे, देख लेना आप लोग। समझ में आ गया? क्लियर है? चलो दूसरा देखो ग्रुप बच्चों, दूसरा ग्रुप मतलब वैलेंसी +2। क्या है भाई इसमें? देखो वैलेंसी +2, देखो ऊपर बैठा हुआ है बेरिलियम। बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी, ठीक है ना? बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। देख लो, बेटा मतलब बेरिलियम, मांगे मतलब मैग्नीशियम, Ca मतलब कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम Sr मतलब, Ba मतलब बेरियम और Ra मतलब रेडियम। बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। इसमें से कम है क्या? देख लो, बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन। अरे तुम कहाँ देख रही हो, सही से देखो। फर्स्ट ग्रुप में मत देखो, सेकंड ग्रुप में देखो। हाँ बट इनसे कम है, ये कैसे? कहाँ कम है? ये 7 है पूरी। हाँ ये 6 है। हाँ बेटा मांगे मतलब वो जो है वो हाइड्रोजन से शुरू हुआ है, ये थोड़ा एक नीचे से शुरू हुआ है। सही बात है, एक नीचे से शुरू हुआ है। तो लियो मैं इसको बगल से बना देता हूँ, लिथियम के बगल में बेरिलियम आएगा। ये ऐसे बोलो सर एक एलिमेंट कम है, एक एलिमेंट सर कम है। बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। चलो ठीक है ना, बोलो क्लियर? क्लियर हो गया? यस सर। ओके, तो पहला ग्रुप हो गया, दूसरा ग्रुप हो गया। अब इसके बाद बच्चों यहां से लेकर के इधर से लेकर के 10 ग्रुप बने हुए हैं, उनको बिल्कुल छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो उनको, उनको आप बिल्कुल छोड़ दो 10 ग्रुप को, और सीधे पहुंचो कहाँ? ग्रुप नंबर 13 पे, क्योंकि 1 और 2, 2 के बाद 10 हो गए 12, और ग्रुप नंबर 13 पे पहुंचो, जो शुरुआत होगा कहाँ से? बोरॉन से। बोरॉन से देख लो, ग्रुप नंबर 13, 2 +2। हाँ ग्रुप नंबर 13 पे पहुंच गए सब लोग कि नहीं पहुंचे, बताओ जल्दी से। यस सर। ग्रुप नंबर 13 में ऊपर बैठा हुआ है बैगन, तो भैया अब लिखो नीचे बैगन आलू गाजर इन थैला। सब्जी भी बेच ली हम लोगों ने, इन थैला। बी फॉर बैगन यानी बोरॉन, AL फॉर एल्यूमिनियम, GA फॉर गैलियम, IN फॉर इंडियम, NTH फॉर थैलियम। बैगन गालू आजर इन थैला। वैलेंसी कितनी भाई? 3। वैलेंसी 3, वैलेंसी 3 नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव वैलेंसी 3। बोलो समझ में आया?
सर। हाँ तो देखो कहाँ का तक आ गए, प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री तक आ गए। अब आगे वाले आ जाओ, आगे कार्बन। सर व्हाट इज दिस गाजर सर? गैलियम। यस सर गैलियम। बैगन आलू गाजर इन थैला। अब अगले पे आ जाओ, चलो चलते हैं काशी, काशी बनारस, ठीक है ना। चलिए अगले चलते हैं, देखिए अगली फैमिली कार्बन, देख लो बोरान के बाद कार्बन भरा हुआ है। यहाँ तक वैलेंसी क्या आ गई थी, तीन। अब इसके आगे आ जाओ वैलेंसी चार, वैलेंसी चार कार्बन। क्या ट्रिक है, काशी सी एस आई, काशी जी की सन की पब्लिक, बहुत सन की पब्लिक है वहाँ की, काशी जी की सन की पब्लिक, ठीक है ना। हाँ काशी जी की सन की पब्लिक। सी फॉर कार्बन का, एस आई फॉर सिलिकॉन, जी फॉर जर्मेनियम, एस एन फॉर क्या होता है टिन, एस एन का नाम क्या है टिन, समझ गए ना, और पी बी का मतलब लेड, पी बी का मतलब लेड। तो डोंट वरी आपको याद हो जाएंगे, सी फॉर कार्बन, एस आई फॉर सिलिकॉन, जी फॉर जर्मेनियम, एस एन फॉर टिन और पी बी फॉर लेड। तो इनकी वैलेंसी प्लस वन, इसकी प्लस टू, इसकी प्लस थ्री और इसकी फोर। देखो अब यहाँ पे सवाल आया प्लस फोर की माइनस फोर, तो इसका जवाब मैं आपको अभी नहीं दूंगा, इसका जवाब मैं चैप्टर के मिड में दूंगा कि प्लस फोर की माइनस फोर, बस फोर लिख लो, फोर लिख लो। अब इसके बाद बच्चों आगे देखते हैं, इसके बाद चलो अभी अपन कहाँ पहुँच गए, काशी। काशी में भिखारी रहते हैं, बहुत सारे भिखारी मंदिरों के सामने भीख मांगते हैं, समझ गए ना। तो भिखारियों को भीख नहीं मिल रही, तो भिखारी का बच्चा कह रहा है नो पापा आस सबसे भी, है ना, भिखारी का बेटा कह रहा है नो पापा आस लगाए रहो सबसे, अभी रात नहीं हुई है, सब लोगों से आस लगाए रहो, कुछ ना कुछ मिलेगा रात तक। तो एन फॉर नो पापा आस सबसे भी, एन फॉर नाइट्रोजन, पी फॉर फॉस्फोरस, ए एस फॉर आर्सेनिक, एस बी फॉर एंटीमनी और बी आई फॉर बिस्मिथ। नोट कर लो, पर एटॉमिक नंबर निकालना हो तो बेस्ट मेरा तरीका आप जानते ही हो, ऐड करके। अरे दो आठ आठ अठारह अठारह बत्तीस, बोलो बन जाएगा अठारह बत्तीस, टू एट एट एटीन एटीन थर्टी टू रूल से। चलिए समझ में आ गया, चलो और चलो। अब ऑक्सीजन फैमिली में आ जाओ। हाँ अब देखो वैलेंसी एक दो तीन चार, अब चार तक बढ़ी, अब कम होगी, चार से किस पे गिरेगी फिर माइनस थ्री पे, चार से किस पे गिरी माइनस थ्री पे। देखो वन से टू, टू से थ्री, थ्री से फोर, अब फिर कम होगी माइनस थ्री, माइनस थ्री, समझ गए ना। वैलेंसी कितनी होगी माइनस थ्री, लिख लो। तो नाइट्रोजन फैमिली की वैलेंसी माइनस थ्री, माइनस मतलब लेना, माइनस मतलब नेगेटिव, नेगेटिव आदमी क्या होता हमेशा लेता रहता, मांगता रहता हमेशा, और पॉजिटिव आदमी हमेशा दान देता है, दान, दान देने वाला धनी होता है। मैंने ए एस ही लिखा है, एन नहीं, हो ए एस है। ओके देन अगला आ जाओ भाई, ऑक्सीजन फैमिली वैलेंसी माइनस टू। हाँ भिखारियों के बीच चल रहे थे, भिखारियों ने बड़ा उत्पाद मचा रखा है, पुलिस आ जाती है तो किसी ने, पुलिस वाले ने सीटी बजाई, तो भिखारी कहते हैं भागो, कैसे भागेंगे, ओ ओ सारे, ओ सॉरी, क्या बोलेगा एक भिखारी, ओ सॉरी सीटी पुलिस ने बजाई, तो लिख लो ओ सॉरी सीटी पुलिस ने बजाई। तो भिखारी ने क्या कहा, ओ सॉरी सीटी पुलिस ने बजाई, तो ओ सॉरी सीटी पुलिस ने बजाई, लिख लो। ओ फॉर ऑक्सीजन, सॉरी फॉर सल्फर, सीटी मतलब सेलेनियम, टीई मतलब टेल्यूरियम और पीओ मतलब पोलोनियम, ओ सॉरी सीटी पुलिस ने बजाई माइनस टू, समझ गए। यस सर। चलो भिखारी सिटी सब पुलिस को जेल में बेड़ दिया गया, अब वहां के लोग निकलने लग गए। अगली वैलेंसी माइनस वन, देखो पहले बढ़ रही है अब घट रही है, तो अब लोग वहां से निकल रहे हैं अपने घरों से बाहर,
समझ गए। तो एक आंटी बाहर निकलती है तो उसको भिखारी देख के बोलता है, फिर कल बाहर आएगी आंटी, आई आंटी। ये देखो वो भिखारी लोग चले गए तो लोग बाहर निकले, तो आंटी को देख करके क्या बोला भिखारी, फिर कल बाहर आई आंटी। यस, तो देखो फिर मतलब फ्लोरीन, कल मतलब क्लोरीन, बाहर मतलब ब्रोमीन, आई मतलब आयोडीन और एटी मतलब आयोटीन। एलिमेंट का नाम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। फिर कल बाहर आई आंटी, डन। फिर कल बाहर आई आंटी, तो देखो कहाँ से चले थे, 1, 2, +3, +4, -3, -2, -1 और -1 के बाद क्या आएगा, 0। देखो 1, 2, 3, 4, 4 से कम करा 3, 2, 1, अब क्या 0। तो 0 वाला तो मैं पढ़ा चुका हूँ आप लोग को, 0 ही yes, sir. नी अगर कर के कितने रन, 11 11 रन। हिनी अगर करके 11 रन, तो इनकी वैलेंसी कितनी है, 0। हाँ लो भाई, तो ये हो गई वैलेंसी पूरी। अब आप मुझसे बोलोगे सर ये वैलेंसी तो आपने बता दी, बट आप हमें ये बताओ कि सर ये वैलेंसी के बाद ये एग्जिस्ट कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं वैलेंसी के बाद इनके बॉन्ड कैसे बनते हैं, ये लोग एग्जिस्ट कैसे करते हैं। ही नहीं अगर करके 11 रन हो गया बेटा। चलो क्लियर बच्चों? यस सर। अब आइए देखते हैं। यस सर। ओके, अब आपके मन में पहला सवाल, सर H2 ही क्यों बनता है, सर H3 क्यों नहीं बनता, H4 क्यों नहीं बनता, H5 क्यों नहीं बनता, H अकेला क्यों नहीं रहता। आइए देखते हैं बच्चों क्यों नहीं रहता। बच्चों मैंने आपको जो बताया ही नहीं अगर करके 11 रन, सर हमने ये वाली तो छोड़ दिया, वो छोड़ दो, वो कोई काम की नहीं अपने, वो 11th में आएंगे। ही नहीं अगर कर 11 रन। बच्चों ध्यान से समझो आप लोग इसको, बेटा हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना, 2, इसका कितना, 10, इसका कितना, आर्गन का 18, इसका कितना, 32, ये है गुरु 54 सॉरी अरे इसका 36, इसका कितना, 36 है, 36, हाँ बिल्कुल सही आर्यन 36। खैर छोड़ो आगे का कोई काम का नहीं है, आप ये समझो तो जितने केमिस्ट्री के एलिमेंट हैं वो क्या बनना चाहते हैं, यही बनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये संत लोग हैं, इनकी ज़िंदगी बड़े मज़े में है, इसलिए इनका नाम है नोबल गैस। और इन्हें 0 ग्रुप में रख दिया गया क्योंकि ये ना किसी से भिड़ेंगे, ना लड़ेंगे, ना इनकी ज़िंदगी में कोई ज़रूरत है, इन्हें कुछ किसी से कुछ नहीं चाहिए, तो ये लोग नोबल हैं, नोबल उत्कृष्ट हैं, ये लोग 0 ग्रुप के लोग हैं। तो दुनिया का हर एक एटम इनके जैसा बनना चाहता है। तो आओ हाइड्रोजन के बारे में बात करते हैं। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की अभी स्थिति क्या है, 1H1, मतलब हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन है और बाहर घूम रहा है एक इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन को अगर वैलेंस होना, अपने आप को इनर्ट बनाना है तो कैसे बनना, हीलियम के जैसे। हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, बोलो, 2, मतलब उसे यहाँ पर एक और चाहिए, बोलो चाहिए कि नहीं चाहिए। हाँ एक और ऐड करना पड़ेगा, बट कहाँ से ऐड होगा, अब देखो सुनते जाओ। अब ये हाइड्रोजन के पास स्थिति यह है कि केवल एक इलेक्ट्रॉन है बेचारा, और इसे अपनी ज़िंदगी को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए इसे एक और चाहिए है। तो जब एक हाइड्रोजन ये था, ये आया, देखना कहानी क्या होती है, ये हाइड्रोजन अकेला घूम रहा था, बस पैदा हो करके निकला, जस्ट पैदा हुआ, हाइड्रोजन है एक इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस बीच में रहा होगा, वो मैंने नहीं बनाया, गोली मारो उसको, क्योंकि लड़ाई तो बाहर होनी है, न्यूक्लियस थोड़ा ना कुछ करेगा, बनाना हो तो एक प्लस बना दो। ये एक हाइड्रोजन था, ये दूसरे हाइड्रोजन के पास ऐसे टहलते टहलते गया और बोला, इसने बोला इससे, और मेरे भाई कैसे हो,
कहा यार भटक रहा हूँ। कहता क्यों भटक रहे हो? बोला मेरा छोड़ो, ये बताओ कि तुम कैसे हो, इसने इससे पूछा। बोला मैं भी भटक रहा हूँ। बोले जब जो तुम भटक रहे हो वैसे मैं भटक रहा हूँ, जिस वजह से तुम भटक रहे हो उस वजह से मैं भटक रहा हूँ। बोले हाँ यार बात तो सही है। और समझ गए समझने वाले कि भटक क्यों रहे हैं, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और बाहर वाले शेल में मैक्सिमम परमिसिबल कितना होना चाहिए, दो। समझ गए ना? जैसे समृद्धि तुम्हारे यहाँ दो कमरे किराए से खाली हैं, अब एक में तो आके लोकेश सर रह रहे हैं, अब एक खाली है तो तुम सोचो कि ये भी भर जाए तो बड़ा अच्छा हो जाए, दोनों भर जाएंगे तो बढ़िया रहेगा, बोलो हाँ। या दूसरे तरीके से एक पेरेंट्स हैं जिसके दो बेटे हैं, उनके एक बेटे की शादी तो हो गई है, अब दूसरे बेटे की नहीं हुई है तो वो भी सोचते रहते हैं इसकी भी हो जाए तो घर बस जाए तो मैं अपने काम से मुक्त हो जाऊँ। तो ऐसे इसके पास एक इलेक्ट्रॉन तो है, एक कमरा तो भरा है, मगर दूसरा कमरा इसकी बिल्डिंग का खाली है। कितना अच्छा होता अगर इसकी पूरी की पूरी बिल्डिंग भर जाती, बोलो बच्चों, होता अच्छा कि नहीं होता? ओके। अब ये कहेगा इससे दूसरे हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन भाई एक काम करो, तुम अपना ये इलेक्ट्रॉन दे करके अपना ये इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो पूरे तरीके से और जाओ तुम संन्यास ले लो, तुम जीरो हो जाओ। मतलब तुम ये इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो, तुम अपना घर का एक कमरा छोड़ के बर्बाद हो जाओ। वो बोलेगा अच्छा, हमको तुम मूर्ख समझते हो, तुम हमारे बराबर पावर के हो, हमसे बड़े भी नहीं हो हमसे छोटे भी नहीं हो, हम दोनों बिल्कुल बराबर पावर के हैं और तुम कहते हो हम तुम्हें अपना इलेक्ट्रॉन दान में दे दें। अच्छा एक काम करो, हम तो तुम्हें दान में नहीं दे सकते हैं, तुम अपना वाला हमें दे दो तो हमारे पास दो हो जाएंगे। अच्छा, ये बोलेगा अच्छा तुम हमें मामू समझते हो, हम एक इलेक्ट्रॉन रखे हैं तुम्हारे बराबरी के हैं और हम तुम्हें अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दें, ऐसा थोड़ा ना है, हम दोनों बराबरी वाले हैं, तुम कोई बब्बर शेर होते तो चलो मैं तुमसे लुट जाता, है ना, मैं अपना एक इलेक्ट्रॉन तुम पे लुटा देता, बट मैं भी तेज हूँ तुम भी तेज हो, दोनों सेम पावर के शेर हैं, है ना, हम दोनों में से कोई एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन नहीं देने वाला। तो बोले फिर क्या करें? बोलते हैं एक आइडिया है, हम एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन लूट तो नहीं सकते हैं बच्चों, अगर लूट लेते तो क्या होता जानते हो? लूटा लपाटी के बाद बनते हैं आयन। क्या बनते हैं बच्चों? आयन। आयन। तो जब जब आपके मन में ख्याल आए आयन बने हैं, तो आयन का मतलब समझ लेना लूट हुई है, आयन का मतलब लूट हुई है, तो आप ये समझ लीजिएगा कि लूटे गए हैं। तो बोले लूट तो नहीं सकते हैं, बोले क्या करें? लूट तो नहीं सकते हैं, दोनों सेम पावर के हैं, समझ गए ना, दोनों सेम पावर के हैं। अरे मूर्ख, क्यों दे देंगे जब सेम पावर के हैं तो, एक दूसरे को क्यों दे देंगे? सेम पावर के हैं तभी तो नहीं देंगे ना, कोई बड़ा होता, कोई बड़ा होता, कोई छोटा होता तो दे देता या लूट जाता, बर्बाद कर देता, सेम पावर के हैं कैसे लूट लेंगे एक दूसरे को। चलो हाँ, तो फिर क्या होगा ये सुनो, अब होगा क्या, सुनिए जी क्या होगा। दो लोग हो आप लोग, दो फ्रेंड्स हो, समझो कहानी कैसी है, दो फ्रेंड्स हो, आपके फ्रेंड्स ए है फ्रेंड्स बी है, दोनों लोग एक दिन स्कूल में सैंडविच का बॉक्स लेके चले गए, सैंडविच लेके चले गए, समझ गए, दोनों बिल्कुल सेम टाइप की सैंडविच अपने घर से बनवा के लेके चले गए, ठीक है, और दोनों अच्छे दोस्त हो, ठीक है ना। तुम दोनों ने कहा कि यार एक काम करते हैं, हम दोनों के टिफ़िन एकदम सेम है, हम दोनों के टिफ़िन बॉक्स एकदम सेम टू सेम है, हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग अपने बॉक्स जो हैं आपस में मिला लेते हैं, हम लोग एक काम करते हैं कि हम लोग अपने बॉक्स आपस में मिला लेते हैं, या हम लोग अपने बॉक्स दोनों लोग के जोड़ के रख लेते हैं चिपका करके, और आओ हम मिलके खाना खाते हैं, ये तुम लोग अच्छे दोस्त हो, दोनों सेम पावर के दोस्त हो, ठीक है ना। अब ये बताओ कि तुम दोनों जब मिला करके खाना खा रहे हो, मतलब तुमने पार्टनरशिप कर ली कि जो तेरा है वो मेरा है और जो मेरा है वो तेरा है, तो अगर कोई तीसरा दोस्त आएगा और पूछेगा क्यों ये टिफिन किसका है,
तो जवाब क्या आएगा इन दोनों में से, मेरा है या हमारा है? बोलो, हमारा है। एग्जैक्टली तो बच्चों जब ये हमारा वाला बातचीत होती ना, तो इस प्रकार के बॉन्ड को जो पार्टनरशिप से बनता है इसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। आपसी, को मतलब आपसी, वेलेंट मतलब साझेदारी, बॉन्ड मतलब संबंध, आपसी साझेदारी से बनने वाला संबंध। समझ गए ना? पहले के टाइम में जब किताबें नहीं होती थी तो हम लोग कैसे पढ़ाई करते थे? मेरे पास हिंदी की बुक थी, मेरे दोस्त के पास इंग्लिश की बुक थी, तो मैं अपने दोस्त से कहता था बेटा तू मेरे से हिंदी की बुक ले ले और तुम मेरे को इंग्लिश की बुक दे दो। समझ गए ना? तो हम लोग कहते थे जब मेरे पास कोई दोस्त आता तो तीसरा वाला ये बुक किसकी इंग्लिश की, मैं बोलता रहा हूँ हमारी है। वो दूसरे वाले दोस्त के पास दूसरा बंदा जाता था बोलता ये हिंदी की बुक किसकी है, तो वो भी बोलता था हमारी है। समझ में आया ना? तो इसमें इस बॉन्ड को बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो देखो हाइड्रोजन में क्या होता है ऐसा, तो हाइड्रोजन के पास ये एक इलेक्ट्रॉन था, ये देखो, और दूसरा वाला ये एक इलेक्ट्रॉन था। चलो इसको मज़े के साथ पढ़ाते हैं, इसको उसमें पढ़ाते हैं अपन। बता रहे हैं अभी आ जाएगा समझ में। चलो देखो, तो अपने पास जो है ये देखो भाई, ये देखो ये हाइड्रोजन है, ओके, और ये जो है दूसरा वाला है, ये दूसरा वाला हाइड्रोजन है। ये देखिए जी, ये पहला वाला हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन का प्रोटॉन है, ये इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ये चक्कर काट रहा है, ये है, और दूसरा वाला हाइड्रोजन ये है, इसका एक इलेक्ट्रॉन ये है। अभी ये अपने अपने हैं। अब बोलेंगे यार हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग अब शेयरिंग कर लेते हैं, जो तेरा है वो मेरा कर लें और जो मेरा है वो तेरा है कर लें। तो बोले भैया बहुत अच्छा आइडिया यार, एक काम करते हैं हम लोग शेयरिंग कर लेते हैं। तो क्या होगा कि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, अभी दोनों एटम दिख रहे हैं, ये एटम उठे ये इसके अंदर मर्ज हो जाएगा, ओके। तो देखो कैसा सीन बनेगा नया वाला, अब ये इसके अंदर मर्ज हो गया। अब देखो नया सीन कैसे बनेगा, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है, यहाँ वाले का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा और यहाँ वाले का इलेक्ट्रॉन देखो कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। बोलो यस और नो। मतलब इस वाले की प्रॉपर्टी इसके अंदर चली गई और इस वाले की प्रॉपर्टी इसके अंदर चली गई, दोनों के टिफिन मैच हो गए और इन दोनों के बीच में बन गया एक सिंगल बॉन्ड। तो ये इस बॉन्ड को बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये इनके दोनों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन और दो इलेक्ट्रॉन मिलकर के बन गया H बॉन्ड H। तो ये लिखा गया H बॉन्ड H, जिसे हम लोग कंबाइनली क्या बोलते हैं, H2। अब ये H2 जो है ये मॉलिक्यूल बन चुका है, अब ये H2 पहले एटम था, अब ये मॉलिक्यूल बन चुका है। हाँ, तो पहले क्या सवाल किया था याद करो, दोनों हाइड्रोजन ने, एक हाइड्रोजन ने पूछा था भाई क्या हाल है, तो उसने बोला था भटक रहा हूँ। याद आया जब इस हाइड्रोजन ने आँख से पूछा था क्या हाल है, उसने बोला भटक रहा हूँ, इसने बोला था क्या हाल है, भटक रहा हूँ। अब देखो ये दोनों बन चुके हैं, अब एक नया हाइड्रोजन आता है, पूछेगा क्यों भैया क्या हाल हैं, तो ये बोलेगा भैया बहुत बड़े मज़े में हूँ, हम लोग स्टेबल हो गए, हमारे घर बस गए। समझ गए ना? अब क्या हो चुका है ये स्टेबल। अब ये H2 के ऊपर ये हाइड्रोजन चाह के भी नया वाला अटैक नहीं कर सकता क्योंकि ये स्टेबल है। समझ में आ गया? समझ में आ गया बच्चों? हाँ, तो ऐसे सारे हाइड्रोजन स्टेबल होंगे किसकी फॉर्म में, H2 की फॉर्म में। तो सारे हाइड्रोजन एटमॉस्फेयर में क्या बना लेते हैं, अपना अपना H2। समझ गए ना? भैया नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अपटेन कर लिया, नोबल गैस मानी नहीं जा सकती है, नोबल गैस का इसने कॉन्फ़िगरेशन अपटेन कर लिया, नोबल गैस जैसा इसने रूप धारण कर लिया। बट नोबल गैस है तो नहीं ना, नोबल गैस तो नेचुरली बना के आई थी भगवान के घर से हीलियम, बट इन लोगों ने मिल करके नोबल गैस जैसे होने का काम किया। समझ गए ना? दिखाया, यस, समझ गए ना? हाँ, तो ये हो गया H2, ठीक है ना? अब तुम बोलोगे हाँ सर पार्टनरशिप तो है, चलो भाई अच्छी पार्टनरशिप है, ओके। ये पार्टनरशिप चलती रही जब तक, अब नोबल गैस में और इसमें क्या फ़र्क है इस चीज़ को समझ लो, ओके।
यस सर। ओके, इस चीज को समझ लो, एक मिनट बच्चों। चलिए ठीक है, इसको आगे हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। एक मिनट रुक जाइए, बस दो मिनट रुक जाइए, अभी क्लास में छोड़िएगा आप लोग। तो अब जैसे ये यहाँ पे आपने सवाल पूछा है कि सर ये नोबल गैस कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी, देखिए नोबल गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन हो गया ये। अब फ़र्क क्या है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, दोनों इकट्ठा हैं, पार्टनरशिप में हैं, दोनों अपना बिजनेस कर रहे हैं, बट किसी दिन इन दोनों से ज़्यादा पावरफुल और लालच देने वाला कोई आ गया। अब वो लालच देने वाला कौन है, मान लो ऑक्सीजन है, कौन है, O2। अगर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को देख करके ये अपने पार्टनरशिप को भूल जाएंगे, बोलेंगे भाई सॉरी आज तक ही अपन की टिफ़िन शेयरिंग रही, आज के बाद अपन दोनों एक दूसरे के साथ टिफ़िन नहीं खाएंगे, हमारी ज़िंदगी में कोई और आ गया है। तो ये अपना बॉन्ड ले लेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, दोनों अलग अलग हो जाएंगे और जाके किसके साथ चिपक जाएंगे, ऑक्सीजन के साथ। तो देखो फिर होगा क्या, यहाँ से ये निकला अपना इलेक्ट्रॉन निकल के, ये ऑक्सीजन के साथ इस पेयर कर गया, यहाँ से ये निकला अपना इलेक्ट्रॉन निकल के, ये मतलब ये दोनों पहले दोस्त थे पक्के, बट अब ये अपना संपत्ति और अपनी प्रॉपर्टी लेकर के ये दोनों ऑक्सीजन के साथ चिपक के बैठे हुए हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया?